लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर हम मदरसा चौक के घाट पर मौजूद हैं। यहाँ छठ व्रती काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि छठ को लेके क्या सजग हैं और इसमें क्या सावधानियाँ बरती जाती है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो हमारा बेटा को नौकरी दिया, बच्चे सब आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं और लोगों सूख दिए दूसरे करने के लिए, उनको बहुत बड़ा परम मानते हैं। आगे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे तो यही उनसे प्रार्थना करते हूँ, माँ ये ठाकुर बाबा हमारा बच्चे सबको आगे बढ़ाइए, जो कि हम दुखियों को भी देख सके, अपने भी देख सके। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं श्रद्धालु जो मेरे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी पप्पू जी, क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू चौरसिया हुआ। आप बताएंगे छठ के बारे में? ये छठ पर्व एक आस्था का पर्व है, इसमें जो है बहुत शांति पूर्वक सब की देख रेख करते हुए ये पूजा होता है। ये हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व छठ कहा जाता है। इससे करने से इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है शुरुआत? इसकी शुरुआत तो एक कोसी घाट से, गंगा जी के घाट से हुआ था, और छठी मैया जो है वह साक्षात दर्शन दिए थे, वहीं से ये छठ का शुभारंभ हुआ है। और साक्षात ये देखा जाता है कि जो मन में मानता है वो पूरा होता है। जो छठ व्रती जो व्रत करती है उसको पहले क्या करना पड़ता है, किस तरह की इसकी विधि विधान? छठ जो पर्व करता है उसके लिए सबसे पहले गंगा स्नान, 4-3 दिन पहले गंगा स्नान करके आना पड़ता है, और उसके बाद कदुआ भात होता है, जो कि छठ पर्व व्रती कद्दू भात खाता है। उसके बाद खरना में ये होता है कि वो दिन भर सहती है, रात में जो सुहारी खीर बनता है उसको चढ़ा के वो पालन करता है। खरना में जो पर्व करती है उसके सुबह से वो सहती है, दिन भर आज सहेगा, रात भर सहेगा, कल सुबह सूर्योदय का पूजा करके ही पारण करेगा। आपने सुना जो छठ के जो नियम थे, कई तरह के नियम हैं, काफ़ी श्रद्धा के साथ ये पर्व को किया जाता है। इसमें खास कर जो महिलाएं हैं और उनको उपवास भी करना पड़ता है। हमारे साथ और भी सहयोगी हैं जो हम उनसे बात करते हैं। ये सूर्य भगवान का सबसे बड़ा महापर्व है, इसमें सभी छठ व्रती जो है सूर्य भगवान को आराध्य देवी मान करके उसको अर्घ प्रदान करते हैं, जो हम लोगों का बहुत उत्साहपूर्ण और महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। इसलिए हम लोग इस त्यौहार में सभी सौ परिवार शामिल होते हैं, श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं और सूर्य भगवान को डूबते हुए रुकते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो आज यहाँ पे कौन से घाट में छठ मनाया जाए? हमारे दोगच्छी के कोसी घाट है, जो कि वहीं पर हम लोग सारे, यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये हमारे 2-3 गांव के लोग आते हैं, दोगच्छी है, तारानगर है, बसनपुर है, कस्बा है, सारे समाज के लोग यहाँ पर आते हैं। तो आपने सुना कि ये दोगच्छी का छठ धाम का ये घाट है। मेरे साथ और भी और लोग सहयोगी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, क्या बताएंगे इस छठ घाट के? हाँ, छठ घाट पे हर साल होता है, हर साल करते हैं। तो क्यों मनाते हैं छठ? ये छठ पूजा क्यों मनाते हैं? छठ जिसका मानता है पूरा हुआ वो अपना छठ मना रहे हैं। जिनका मानता है जी, मानता से जिसका अपना छठ मैया पूरा किया वो अपना मना रहे। इस बार क्या लग रहा है कि कोरोना महामारी को लेके जो जिस तरह की भीड़ हर साल देखी जाती थी, क्या भीड़ में कुछ सुधार हुआ है? भीड़ में कम है, भीड़ में तो नज़र में देखिए ना, भीड़ में कम है, और सब साल तो पूरा भर गया। अभी दो जगह इसको बंटवारा कर दिया गया है,